दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. मेरे लिए वही वेरी गुड क्वेश्चन होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और जिसमें ट्रीटमेंट नॉर्मल स्टूडेंट्स के समझ के बाहर होता है. तो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. फर्स्ट लाइन. सेकेंड सेंटेंस, दे एडमिटेड जेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट. इस लाइन का इस क्वेश्चन के साथ कोई मतलब ही नहीं है. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ जेड, डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपीयर्ड एट 76,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली. डेटर था 76,000, 8,000 था प्रोविजन फॉर बैड डेट. और फुल स्टॉप, नेक्स्ट कॉमा, नेक्स्ट रुपीज 6,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड. ये जो हमारा डेटर 76,000 था, इससे 6,000 बैड डेट हो गया. तो आप जर्नल का फॉर्मेट बना लो. फर्स्ट एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, हमारा बैड डेट हो गया 6,000, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो बैड डेट इज ए लॉस, तो आप इसको एक्सपेंस भी मान सकते हो, क्योंकि बिजनेस में यूजुअली बैड डेट होता रहता है. अगर आपके कोई सामान ले लिया और पैसे नहीं दिया तो बैड डेट होता रहता है. तो बैड डेट अकाउंट डेबिटेड 6,000 टू डेटर्स अकाउंट. डेटर हमारा एसेट होता है और एसेट डिक्रीज हो गया. और इसका नरेशन लिखो, बीइंग 6,000 रिटन अप एज बैड डेट आउट ऑफ द डेटर्स. तो बैड डेट हो गया. फिर नेक्स्ट एंट्री के लिए प्रोविजन फॉर अबाउट, ये जो बैड डेट हमारा होता है, हमारा प्रोविजन पिछले साल का 8,000 अपियर कर रहा है. तो ये जो बैड डेट हमारा हो गया, उसको हम प्रोविजन से राइट अप करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट ईयर प्रोवाइड किया था कि 8,000 बैड डेट होगा, 8,000 तक होगा. तो एक्चुअल हो गया 6,000. तो आप लिखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिटेड 6,000, क्योंकि 8,000 से 6,000 बैड डेट में चला गया. प्रोविजन आपके क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करने से वो नलीफाई हो जाता है. टू बैड डेट अकाउंट 6,000, जितना ये जो हमने 8,000 प्रोविजन रखा था, उससे 6,000 बैड डेट हो गया. तो नरेशन होगा, बीइंग बैड डेट रिटन अप टू प्रोविजन, ये जो प्रोविजन 8,000 था, उससे 6,000 बैड डेट चला गया. तो प्रोविजन में 2,000 बचा और डेटर में 76,000 से एक्चुअली बैड डेट हो गया 6,000. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 1,500 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 1,500. इसमें क्या होगा ना, हमारा मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरह. हमारा बच गया 76,000 से 6,000 पैसे डूब गया, वो पूरा प्योर बैड डेट हो गया, वो गया डेटर से 6,000 गया, बचा 70,000. उसका 5% होगा प्रोविजन 3,500. तो 70,000 के ऊपर बनेगा 5% प्रोविजन पर बैड डेट, न्यू प्रोविजन. तो जो न्यू प्रोविजन बनेगा 70,000 का 5% 3,500 होगा. ये 3,500 से जो ऑलरेडी 8,000 का ओल्ड प्रोविजन था, उससे 6,000 बैड डेट हो गया, जो 2,000 बच गया था, वो 2,000 ये 3,500 से माइनस करने के बाद 1,500 रुपये बनेगा, बचेगा. ये होगा न्यू प्रोविजन. हमें 3,500 का प्रोविजन चाहिए. पुराना प्रोविजन 6,000 रुपये था, 8,000 रुपये था, उसे 6,000 राइट अप कर दिया, बैड डेट में एडजस्ट कर दिया, 2,000 बच गया. अभी जो 3,500 प्रोविजन बनेगा, उसे 2,000 पहले प्रोविजन है. तो न्यू प्रोविजन अगर 1,500 का बना देंगे और, तो हमारा प्रोविजन पर बैड डेट विल बी मेंटेन एट 3,500, जो कि 70,000 का 5% है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 1,500 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 1,500, बीइंग न्यू प्रोविजन क्रिएटेड ऑन रुपीज 70,000 एट द रेट ऑफ 5% लेस ओल्ड प्रोविजन एट द रेट ऑफ प्रोविजन रुपीज 2,000. तो आपको समझ में आ गया होगा. अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 1,500 है और कुछ है नहीं. तो दैट मीन्स दिस इज ए प्योर रिवैल्यूएशन लॉस, इतना ही 1,500 रुपये लॉस होगा. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो लॉस है, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे. फोर्थ, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 900, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 600 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,500.
एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 900, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 600, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1500, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो ऑफ 3:2। तो डेबिट क्रेडिट को टोटल करके आपका बनेगा 15,000। लॉस को लॉस कैपिटल को घटा देता है, तो इसीलिए कैपिटल डेबिट हो गए और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गए। प्रॉफिट होता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल होता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थर्ड एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके जो ओल्ड प्रोविजन था 8,000 था, उसे 6,000 बैड डेट हो गया, तो प्रोविजन बच गया 2,000। अभी जो डेटर 70,000 है बैड डेट राइट अप करने के बाद, उसका 5% हो गया 3,500। वो 3,500 से 2,000 पुराना प्रोविजन है और नया बनाना पड़ेगा 1,500, ताकि प्रोविजन विल बी मेंटेन्ड एट 3,500। ये प्रोविजन 3,500 में मेंटेन रहेगा।